भाई ये रॉयल इनफील्ड बुलेट 500, ये देखो कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि इसका जो ये फ्रंट मडगार्ड है ये इसका इतना छोटा था, और ये पीछे का वो भाई खुल गई पूरी 500 cc। सो भाई यहाँ पे ये जो इंजन है इसके ऊपर पेंट का प्रोसेस हो गया स्टार्ट, कुछ ऐसा लुक निकल कर आया है फ्यूल टैंक का, हार्ट ऑफ बुलेट का। किसी किसी बुलेट ऑनर को इतना ज़्यादा यूनिक अपनी बाइक बनानी होती है कि उसको वो इतना ज़्यादा डिज़ाइन करवाता है कि पूछो ही मत। आज एक बुलेट आई है, बुलेट 500 जो पहले आती थी और वो फिर कुछ ही टाइम आई थी उसके बाद बंद भी हो गई थी। वो जो बुलेट है वो 350 नहीं है, वो 500 cc है, सेल के साथ आती थी। और ये वाली बुलेट का पूरा कन्वर्जन होना एक तरीके से, इसका आगे का मडगार्ड, पीछे का मडगार्ड, इवन जो टैंक है उस पर भी अलग ही तरीके की डिज़ाइनें बननी है। मैंने फोटो में देखा है, रियल में वो सब बनने में कितना टाइम लगेगा, कैसे बनेगी और क्या उसकी फिनिशिंग निकल कर आएगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी वो पूरी बुलेट खुलेगी, उसके बाद वो सारी फिटिंग उसकी, नहीं खुलने से पहले उसकी पूरी फिटिंग रेडी होनी है, फिर उसके बाद वो खुलेगी, उसके बाद फिर वो पेंट होगी और जो डायग्राम डिज़ाइन जो भी बनना है उसके ऊपर वो सब कुछ बनेगा। मतलब एक लंबा सा प्रोसेस रहने वाला है, तो वो देखना है कि बनने में कितना टाइम लगेगा और कितना इसमें खर्चा आएगा। और अगर आपको इस तरीके से कोई भी रिस्टोरेशन कराना है बुलेट के अंदर, या फिर आपके पास कोई भी बुलेट है और अगर आपको रिस्टोर करानी है और खर्चा कितना आता है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF Explore, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो यहाँ बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलते अंकल जी के पास और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। भाई ये रॉयल इनफील्ड बुलेट 500, ये देखो, और इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं और कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि इसका जो ये फ्रंट मडगार्ड है ये इसका इतना छोटा था, और ये पीछे का, और यहाँ पे इसकी ये अभी सेटिंग चल रही है कि कौन सी चीज़ कैसे बिठाई जाएगी। तो ये अभी इसमें छेद कर रहा है और ये गर्म हो रहा है भाई, मैं नहीं छेड़ रहा इसे ज़्यादा। और इसके जो पत्तियाँ हैं जो फ्रंट मडगार्ड में लगती हैं वो ये वाली हैं, और ये भी गर्म है, ये भी बेल्ड हुई हैं, अभी थोड़ी इंक्रीज़ करी गई है ऊपर के लिए जिससे कि इसकी फिटिंग सेट हो जाए इस पर और ये लग जाए, और ये बड़ा छोटा सा मडगार्ड इसमें फिट होगा। तो अभी ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि जब ये चीज़ बाद में रिस्टोर होगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और किसी बुलेट में अगर ऐसे ऑल्ट्रेशन कराने होते हैं तो उससे पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये इसका रियर मडगार्ड, ये भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे पहले इसकी पत्तियाँ डिज़ाइन करी है बड़ी मोटी मोटी, और ये भी गर्म हो रहा है। ये देखो पहले ये पूरा बनाया है जिससे कि ये मडगार्ड लग जाए, क्योंकि ये मडगार्ड इसका तो है ही नहीं। अब ये पूरी डिसअसेंबल होगी, खुलेगी, और ये वाले भैया खोलेंगे इसको। तो जब ये खुलेगी तब मतलब ये सारी चीज़ें तो बनी गई, जब खुल जाएगी अब तब मिलेंगे, जब ये पूरी पूरी डिसअसेंबल होगी, फिर पेंट होगी, फिर वही मतलब समझ रहे हो ना सारी कहानी। तो वही है, तो अभी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है इसकी। तो अब चलते हैं भाई दुकान पे। तो दोस्तों पहुँच गया मायापुरी अंकल की शॉप पे, और ये रही भाई यहाँ पे बुलेट 500 cc, बुलेट 500 cc। इसके साइड के टूल बॉक्स भैया ने खोल दिए और ये रखे। अच्छा, स्टैंडर्ड के अंदर गोल्डन लाइन आपने हमेशा देखी होंगी जो यहाँ पर होती है, बट इसमें सिल्वर है, और यही इसकी एक पहचान है। क्यों भाई? यही है ना, इसी से ही पता लगता है कि ये 500 cc है। इंजन को देख के आप एक नज़र में नहीं पहचान सकते। इसके अंदर 3S वाले एलॉय पहले से ही लगे हुए हैं। तो ये पूरी डिसअसेंबल होगी, तो थोड़ा भाई को काम करने देते हैं और देखते हैं इसको डिसअसेंबल होने में भी कितना टाइम लगेगा। सो भाई खुल गई पूरी 500 cc, ये अब आपके सामने 500 cc स्टैंडर्ड पूरी हो चुकी है डिसअसेंबल। और इसके नट बोल्ट अब भैया इंजन के इसलिए खोल रहे हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें जिंक हो सकें। तो अब ये खुल गई है, भैया इसके खोल रहे हैं नट वगैरह, और अब इसका होगा पेंट का प्रोसेस स्टार्ट। अब जब पेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आएंगे हम दोबारा से मायापुरी में। तो अब लेते हैं विदा मायापुरी से, अंकल की शॉप से। तो चलते हैं यहाँ से अपने घर। सो भाई मैं पहुँच गया अगेन मायापुरी, और कल तक आपने जो स्टैंडर्ड खुलते हुए देखी थी आज वो हो रही है पेंट। और ये उसके पार्ट, ये नीचे वाले नहीं, वो तो क्लासिक है, ये वाला मडगार्ड, ये छोटू सा मडगार्ड, उधर उसके शॉकर, और उधर की तरफ में इसके टूल बॉक्स दोनों, और वो बैटरी का कवर, और क्या क्या इसका, ये इसका हेड खोल, और वही 500 cc का ये इंजन यहाँ पे रखा हुआ, और उसके छोटे छोटे पार्ट वहाँ पे रखे जिनके भी सफाई चलती है, जिन पे पेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा, और पीछे की साइड में रखी टंकी और चेसी जिसकी सफाई चलती है, और शॉकर पाइप भी वहीं पर है। तो ये इसके साइड के बॉक्स, इन पे पट्टी चेक होगी, फिर ये घिसाई होगी और फिर पेंट स्टार्ट हो जाएगा इस पर। अब आप सोचोगे यार मैंने इसका प्रोसेस क्यों नहीं दिखाया, तो मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ इसलिए नहीं दिखाया, बाकी प्रोसेस सबके सेम है। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है, ये सारी चीज़ें तो आपने और भी वीडियो में पेंट होती देखी हैं, मेन चीज़ है इसके मडगार्ड जो इसमें चेंज हो रहे हैं,
और मतलब इसका पूरा जो लुक है वो चेंज होगा और मड़घाट से भी बहुत ज़्यादा लुक में इफेक्ट आता है। तो अभी यहाँ पे जैसे इसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा वो तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा। तो यहाँ पे भैया को इसकी अभी जो और पार्ट है उनको घिसने देते, साफ़ करने देते और देखते हैं अभी इसके बाद और कौन सा इसमें प्रोसेस होगा। तो करने देते भैया काम। ओके भाई, पट्टी चेक होने वाला प्रोसेस स्टार्ट। और ये वही है जो अभी आपको दिखाए थे, इन पर सर्फेसर लग चुका था और ये रहे शॉकर पाइप। तो यहाँ पे भी सारा काम हो चुका है, वो क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। और ये इसका टैंक हार्ट ऑफ बुलेट 500 सीसी का, और ये उसी की चेसी है। अभी ये साफ़ सुथरी होगी फिर इस पर काम होगा। यहाँ पे सरफेसर का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। और ये रियर मड़गाट, फ्रंट मड़गाट पे भैया ने लगा दिया इसके सरफेसर, उस वाली साइड में रखा है, सूख रहा है। मड़गाट के ऊपर लग गया सरफेसर और अब ये इसका हेडकोल। तो ये अब इसके जो एक तरीके से देखा जाए तो पेंट के जो प्रोसेस है वो हो गए स्टार्ट। तो अभी देखते कितना टाइम और उन प्रोसेस को आगे बढ़ने में अभी लगने वाला है। सो भाई, यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी क्रोम के पार्ट थे वो सारे के सारे भैया यहाँ पे ग्रीन कलर के प्राइमर से कवर कर रहे हैं। और ये इसलिए करा जाता है कि अगर कोई भी क्रोम का पार्ट अगर आपको पेंट कराना, उसकी पकड़ अच्छे से बन जाए, ये इसलिए यूज़ करा जाता है। अब ये क्रोम के आते हैं जो ये ब्रेक पैडल होते हैं और साइड स्टैंड, हेडलाइट की रिंग, वो किक और वो हैंडल वगैरह। तो ये सारे इसमें ब्लैक होंगे, ब्लैक मैट ब्लैक होगा ना। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले, पूरा वो बेस बनाने से पहले, ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो भी क्रोम के थे उन सब पे ग्रीन प्राइमर करा है, जिससे कि ये चीज़ ब्लैक की जा सके और पेंट ना उतरे। वो आपने देखा होगा कोई कोई पेंट करता है और फिर उसमें से पपड़ी बन बन के वो उतरता है, ऐसे ही है ना। तो इसमें वो चीज़ नहीं आएगी क्योंकि इसमें पहले ये वाला जो प्राइमर है वो कर दिया। और ये बेस्ट क्वालिटी प्राइमर माना जाता है, किसी भी इस चीज़ के ऊपर पेंट करने से पहले अगर ये लगा दें तो वो चीज़ रिलायबल हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये यहाँ पे इसका ये गियर लीवर, तो यहाँ पे भैया को इनके ऊपर प्राइमर करने देते हैं। और इन पे अगर कुछ और कोटिंग हुई तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे भैया काम करने देते हैं। सो भाई, यहाँ पे ये जो इंजन है इसके ऊपर पेंट का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। अब आप सोच रहे हैं ग्रीन कलर का क्या है, तो ये ग्रीन कलर का प्राइमर है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दूसरे क्रोम के पार्ट पे होते हुए देखा था। अब इंजन पे भी ये जितने भी पार्ट होते हैं ये बफ होते हैं और ये क्रोम ही मैं उसमें इंक्लूड कराया था, क्रोम पॉलिश मारना ये सब मारना। तो ये जितने भी पार्ट हैं इनको कवर अप करने के लिए पेंट करने से पहले ये एक उसका बेस बनाया जाता है जिससे कि पेंट इस पर रुक सके। और ये डायरेक्ट नहीं लगता है, इससे पहले भी इसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुए हैं। जैसे इसको घिसा है, मतलब इस पर से चिकनाई हटाई गई है, फिर इस पर थिनर मारा गया था जिससे कि बिल्कुल इस पर चिकनाई ना रहे। और ये बिल्कुल अब ड्राई कर दिया है और ये पूरा साफ़ करा है। इस पर कहीं कहीं से जैसे ऑयल वगैरह आ भी रहा था वो सब हटाया, नीचे की साइड में बहुत ऑयल था इसमें, तो वो सब चीज़ें साफ़ करी हैं। सो भाई, जो इसके पार्ट्स थे जिनके ऊपर ब्लैक सब कुछ होना था उससे एक पहले का प्रोसेस हो रहा है और ये हो रहा है अंडरकोट, और इसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा। अभी जो ये पेंट आपको दिखाई दे रहा है जैसे ऊपर लग रहा है, अब ये भी नहीं रखा जाएगा, इसको पहले साफ़ करा जाएगा तब ये इंस्टॉल होगा। नहीं तो अगर ये छोड़ दिया तो इसकी सील काट देगा ऊपर की रबड़ जो होती है, और वो कट गई तो फिर ये हो जाएगा लीक। और ये यहाँ पे भाई फिल्टर कवर, ये भी ब्लैक हो रहा है। बाकी ये रहा यहाँ पे इंजन, और ये पूरा ग्रीन कर दिया था, अभी ये हल्क जैसा लिख रहा है ना इंजन, पूरा हरा हरा हो गया हल्क। तो यहाँ पे ये पूरा हो रहा है पेंट, ब्लैक पेंट, और उससे पहले इस पर कोई अगेन अंडरकोट, और अंडरकोट पूरे पे ही होगा जिससे कि जो भी ब्लैक कलर लगेगा वो पूरा का पूरा हो जाएगा। ओके, सो अगर आप बफिंग वाली चीज़ से बचना चाहते हैं तो ये भी एक आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऐसे अपना इंजन पेंट करवा के और फिर हमेशा हमेशा के लिए जो बफिंग वाला काम है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सफाई आपको इस इंजन की भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भैया को इसके ऊपर अभी पेंट करने थे और देखते अभी कितना टाइम और इसको फाइनल होने में लगने वाला है। सो भाई, यहाँ पे अंडरकोट वाला प्रोसेस हो गया स्टार्ट। ये 500 सीसी वाला ही टैंक है और सबसे पहले इसी के ऊपर पेंट कर रहे हैं। भाई ये ऊपर से भी हो गई पेंट, मतलब अंडरकोट ही फाइनल नहीं है, ये फर्स्ट प्रोसेस है पेंट का। और बेस वाले जितने भी तो सब खत्म हो गए जो बेस प्रोसेस थे, अब ये वो प्रोसेस है जो आपको दिखता और हमें दिखते हैं। सो टैंक के ऊपर अभी आपने पेंट होता हुआ देखा था, अभी ये इसका फ्रंट का छोटा सा मड़घाट, छोटू सा मड़घाट, ये लगेगा तो लगेगा कैसा। इसके टैंक पेंट हो गए, मड़घाट आगे का पेंट हो गया, अब इसका हेड खोल पेंट हो रहा है और साइड के जो टूल बॉक्स होते हैं अभी उनके ऊपर भी पेंट होगा। तो यहाँ पे ये रियर मड़घाट 500 सीसी का जो अब अंडरकोट हो रहा है, फिर पेंट, फिर क्लियर। बाकी ये रहा यहाँ पे इसका शॉकर पाइप, और इस पर भी हो गया अंडरकोट। ये रहा यहाँ पे इसका टूल बॉक्स, ये भी यहाँ पे हो गया अंडरकोट। तो यहाँ पे अंकल को इन बड़े बड़े पार्टों के ऊपर अंडरकोट करने देते हैं और देखते हैं इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस, जो पेंट का प्रोसेस होता है वो जब स्टार्ट होगा। अब मैं वो चीज़ आपको तब दिखाऊंगा, तो अंकल को यहाँ पे आराम से काम करने देते हैं। ये आ गई यहाँ पे 500 सीसी की चेसी, तो यहाँ पे भी अब ये हो गया पेंट। और जहाँ से एक बार गन निकल गई वहाँ दोबारा घूमनी नहीं है वो, क्योंकि वही एक ही बार में हो गया क्लियर मैटर, और इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। तो भाई यहाँ पे भी चेसी हो गई पूरी की पूरी फाइनल,
और अब इसके बाद पेंट के अंदर एक दूसरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा गोल्डन लाइन का, तो वो अब अंकल करेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी अंकल को यहाँ पे इसके ऊपर पेंट करने देते हैं। तो चेसी के बाद यहाँ पे इंजन के ऊपर जो ब्लैक होने वाला प्रोसेस था वो हो गया स्टार्ट, और अब लग रहा है इसके ऊपर पेंट। और अभी तक यहाँ पे आपने अंडरकोट इंजन के ऊपर होते हुए देखा था भाई, यहाँ पे फाइनल हो गया ये पूरा का पूरा इंजन ब्लैक, मैट ब्लैक हो गया भाई। यहाँ पे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट गोल्डन लाइन बनने का, पहले गोल्डन जो पेंट होता है वो अंकल यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी हो गया यहाँ पे गोल्डन, ये रहा यहाँ पे टैंक। और जब ये आई थी, जब इस टैंक के ऊपर जो लाइनें थी वो सिल्वर कलर की थी, ब्लैक एंड सिल्वर, मतलब ब्लैक टैंक था और सिल्वर कलर की लाइन थी और ग्लॉस कलर था वो, समझ पा रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा भाई, अंकल समझ गए लेकिन ये गोल्डन लाइनें बनेंगी कैसी इस पर। यहाँ पे अभी ये गोल्डन लाइन का प्रोसेस अंकल वो करने देते हैं और देखते हैं इसके बाद और कौन सा प्रोसेस होगा इसमें। तो भाई टैंक के ऊपर जो लाइनें बननी थी, जो डिज़ाइन बनना था वो बन गया, वो यहाँ पे हो रहा है सिल्वर कलर। अब आप सोचोगे पूरी सिल्वर हो रही है, तो ऐसा नहीं है, इसका कुछ पार्ट सिल्वर होगा और कुछ पार्ट इसका ब्लैक होगा और फिर उसकी लाइनें हटेंगी, बीच में कॉम्बिनेशन आएगा और वो बड़ा प्यारा लगेगा। फाइनल जब होगा ना ये मैट कलर में फाइनल होगा, यहाँ पे ये ग्लॉस कलर नहीं है, सोचो मैट कलर में कुछ अलग सी डिज़ाइन निकल कर आ रही है आज। अब ये सिल्वर कलर हो गया यहाँ पे, अब अंकल इस पर करेंगे ब्लैक कलर, जब ब्लैक कलर करेंगे अब मिलते हैं आपसे तब। गोल्डन लाइन की जो प्रक्रिया थी इसके ऊपर वो पूरी हो चुकी है, अब जब ब्लैक कलर हो जाएगा जब आपको गोल्डन लाइन दिखाई दे जाएगी। ये रहा यहाँ पे फ्रंट मडगाट, ये भी हो गया ब्लैक, इस पर भी गोल्डन लाइनें बनी है। और ये दूसरा मडगाट यहाँ मैं लेके खड़ा हूँ जिससे कि जल्दी पेंट हो सके, और इस पर भी गोल्डन लाइनें बन चुकी हैं। ये रहा यहाँ पे रियर मडगाट, सो यहाँ पे ये हो रहा है रियर मडगाट पेंट, और भैया को इसको पेंट करने देते हैं, इसके बाद लेगा टंकी का नंबर। अब टंकी जब यहाँ पे पेंट होगी ब्लैक कलर से, सिल्वर कलर आपने होता हुआ देख लिया, जब ब्लैक कलर से पेंट होगी अब मिलूँगा मैं आप तब आपसे। सो भाई टैंक के ऊपर ब्लैक पेंट होना हो गया स्टार्ट, और ये फाइनल पेंट है, लेकिन लाइनें इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और मेरा भाई हो गया सर दर्द, साथ में अंकल का भी, क्योंकि हम पहले फ़ोटो समझ रहे थे जो उन भाई ने सेलेक्ट करके भेजी थी, पता नहीं कहाँ से तो फ़ोटो निकाल के लाते, लेकिन अब वो फ़ोटो जैसी ना बने तो हमारा काम बेकार है, तो हमें भी वो चीज़ पूरी पूरी मैच आउट करनी पड़ती है। तो वो सारी लाइनें उसी तरीके से डिज़ाइन करी है, फिर मास्किंग करी है, और ऐसे ही नहीं इसके ऊपर सिल्वर और ब्लैक कलर दो बार करना पड़ रहा है। तो वो उसका बस रीज़न सारा यही है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्यों कल ये। तो यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो लग गया अच्छे से नीचे की साइड में, और अब होगा वो ऊपर की तरफ से। अब मुझे भाई सबसे ज़्यादा वेट है, जो मैंने फ़ोटो में देखा था वो मुझे रियल में देखने को मिलेगा, और मेहनत कितनी रंग लाएगी वो भी पता लगेगा थोड़ी सी देर में, बस थोड़ी सी ऐसे, बस एक बार अंकल इसको पूरा ब्लैक कर दे, फिर जब ये टेप उतरेंगी ना, समझ रहे हो। सो भाई मैट क्लियर आज मैं फर्स्ट टाइम होते हुए देख रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर लग रहा है, तो हो गया क्लियर। ब्लैक के ऊपर एक गोल्डन लाइन, मतलब ब्लैक गोल्ड 500 सीसी बुलेट ब्लैक गोल्ड, इसका ये कलर है। और ये रहा यहाँ पे क्लियर, और ये रहा दूसरा टूल बॉक्स, और ये जितनी भी गोल्डन लाइन जिन जिन पे बनी थी पे भी लग गया क्लियर। और अब आ रही है टैंक की, तो हम मिलते हैं टैंक के साथ। तो कुछ ऐसा लुक निकल कर आया है फ्यूल टैंक का, हार्ट ऑफ बुलेट का, गोल्डन लाइन का, सिल्वर लाइन का, ब्लैक कलर का, सिल्वर कलर का, कुछ ज़्यादा ही कॉम्बिनेशन बनाने पड़ गए इसके अंदर। तो यहाँ पे लग गया इसके ऊपर क्लियर, और अब ये फ्यूल टैंक बुलेट का, हार्ट ऑफ बुलेट, ये हो गया फाइनल। और ये हुआ है मैट कलर के अंदर फाइनल, ग्लॉस नहीं है ये। और इसकी क्लियरिटी, इसकी श्योरिटी जो भी है वो आपको दिखेगी असेंबल वाली वीडियो में। सो ये हो गया टैंक फाइनल, और अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ लाइनें सारी अच्छे से, एक बार अंकल को इसको फ्री करने देते हैं। तो ये देखो भाई टैंक पास से, और इसकी लाइनें देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, और इसको बनाने में भाई बड़ी मेहनत लगी है, और कुछ अलग सा ही लुक निकल कर आया इस टैंक का। तो ये टैंक कैसा लग रहा है, इसकी लाइनें कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी अब चलते हैं अंकल के साथ अंदर और इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं।
सो भाई यहाँ पे शौक किया बुलेट, जो ये यूनिक बुलेट है पूरी की पूरी पेंट हो गई है, और अंकल ने पूरा उसको पेंट करा, उसका टैंक जो भी था उसका डिजाइन सारा चेंज करा। अब ये 500 सीसी स्टैंडर्ड वाला सामान इसमें नहीं रहा, अब ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुए थे जैसे मैं देख रहा था, पीछे मडगार्ड हुआ, फिटिंग हुई सारी, और इसमें पेंट का फर्क, पेंट जो टैंक में जो करा था वो अलग सा था, है ना। तो ये मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जैसे किसी को पुराने मडगार्ड चाहिए होते तो 3-3.5 हजार में उसका जोड़ा आ जाता है, अब इनका जोड़ा सारा ठीक था लेकिन इनको मडगार्ड चेंज कराने थे, इनको अपनी बुलेट यूनिक बनानी थी, तो उस यूनिक बुलेट में जो इन्होंने मडगार्ड लगवाया है तो ये बने बनाए तो मिलते नहीं होंगे, नहीं बनवाने पड़े हैं, तो ये इसमें इनसे अलग ही खर्चा बैठता होगा, ये तो अलग ही खर्चा, तो ये बहुत महंगा बैठता है क्या? हाँ, उससे करीब काफी महंगा, करीब डबल समझ लो, क्योंकि उसमें फिर मैं देख रहा था पीछे बड़ी मोटी सी आपने रॉड फिट करवाई है जिससे पीछे का शॉकर सॉरी मडगार्ड सेट हो सके, तो ये मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो कोई लेकर आता है तो उसमें अगर किसी को मडगार्ड चेंज कराना है, किसी को बॉक्स चेंज करा दे और वो अगर अलग से बनवाए तो वो महंगे पड़ते हैं, तो इसमें लगभग कितना खर्चा तक आ जाता है? ये 25-30 हजार के, मतलब वो अलग अलग हिसाब से डिफर होते रहते हैं, किसी को कोई मडगार्ड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कोई डिजाइन चाहिए, हालांकि टैंक के ऊपर जो डिजाइन बनता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता प्राइस में, बट हाँ जितने लेयर पेंट बढ़ेंगे उतना उसका प्राइस बढ़ेगा। अगर आप एक लेयर का पेंट ला रहे हैं जैसे इलेक्ट्रा वगैरह पे होता है वो सस्ता होता है, फिर उसके बाद जब स्टैंडर्ड आती है इसमें गोल्डन लाइन होती है वो शायद थोड़ा महंगा होता है ना, और फिर जैसा ये वाला टैंक है इसमें तकरीबन 3 कलरों का पेंट करना पड़ा, 3 लेयर पेंट हो एक तरीके से, तो ये उससे और थोड़ा महंगा रहा होगा। अब ये पूरी बुलेट पेंट हो चुकी है, अब इसका असेंबल का काम स्टार्ट होगा, अब 2 दिन बाद वो स्टार्ट होगा, तो वो अभी सूखेगी, फिर वो रबिंग होगी, फिर उसके बाद असेंबल होती है, सारी चीजें तो आपको पता ही होगा। बाकी अगर आपको इस तरीके से कोई अपनी बुलेट यूनिक बुलेट बनवानी है, कुछ रिस्टोर करवाना है, तो आप अंकल के पास आ सकते हैं, और अंकल की शॉप मायापुरी में, अंकल एड्रेस आप एक बार बता दो। मायापुरी में है, B11 खजान बस्ती गुरुद्वारे रोड पे, खजान बस्ती ये जगह का नाम है, B11 ये शॉप का नाम है, आप यहाँ पे आके अपनी कोई भी बुलेट रिस्टोर करवा सकते हैं और इस तरीके से अपग्रेड करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, जो आपको कराना है वो आप अपनी बुलेट में यहाँ पे आके करवा सकते हैं, एक वन स्टॉप शॉप आप इसको समझ सकते हैं बुलेट के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आपको कोई कॉल पे क्वायरी चाहिए तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी यही थी पूरी वीडियो इस बुलेट के पेंट के ऊपर, ये पेंट कैसा लगा, टैंक के ऊपर डिजाइन कैसा लगा, अंकल का काम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश फ्रेश कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।